ठीक है, चलिए हम संजीव जी के पास आते हैं। और संजीव जी, कोई वीडियो भी चलाने की बात हम लोग कर रहे थे, क्या चल सकता है? मनोज अभी आया भाटी नहीं, भी, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं है अच्छा जी, आ जाएगा तो। ठीक है। एक टिप्पणी आ रही थी कि जन सुराज जो है हम लोगों की समझ से ऊपर की चीज है। ठीक है, और आप मनोरमा उससे भी अलग टिप्पणी है, वो टिप्पणी सबसे पहले लूंगा। लेकिन हेमंत जी ने जो कहा वो बेहतरीन बात कही कि विचारहीनता का विचार बेसिकली, और उसके जरिए आप राजनीति क्या करेंगे, तो हाँ बिल्कुल, मूल हाँ टिप्पणी। बिल्कुल। और मैं यही सवाल भी करने वाली थी कि तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप केजरीवाल के की राजनीति को रिपीट मोड में बिहार में देख रहे हैं, या वो संभव नहीं है? भले ही मतलब ठीक है, कुछ हद तक चीजों को वो प्रभावित कर सकते हैं और वो अच्छी बात भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो नेगेटिव ही होगा, वो कुछ कुछ देखिए, कुछ उससे बातें। हाँ ठीक है, उस टिप्पणी से ज्यादा कि प्रशांत किशोर हमारी समझ से ऊपर की चीज है, उससे पहले उनके एक और प्रिय लगता है कि उनको बहुत पसंद करने वाले एक मित्र ने हम लोगों को, आर्यन पॉल हैं, उन्होंने कहा है चार गधे मिलके दूसरे को गधा बोल सही मनोरमा पहले आपको उन्होंने अलग कर दिया। और यदि वो बात, थैंक यू। हाईली पेड है, लेकिन प्रशांत किशोर की हमारे महिला लिए, आप लोग ही हैं। महिला महिला ये को लेकर सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल। मनोरमा जी को अब देखिए एक्सक्लूसिव संजीव जी प्रशांत इसमें किशोर क्या क्या हाईली पेड है लोग, तो यदि वो आर्यन पॉल कुछ अच्छा बोल लगता रहे हैं? विवेक, विवेक कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, गधा से मुझे बहुत सहानुभूति है। और उस जी और जो जिस इस्तेमाल में, नहीं इसमें हंसने की बात, जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत आपत्तिजनक है। आप कुछ भी बोल, गाय बोल देते तो ठीक लगता, नहीं चार नहीं गाय मैं गधा की ही बात गाय कर रहा बोल, हूँ विवेक नहीं नहीं जी, इसमें विवेक इसमें जी, क्या है। आप गधा गधा को निरी ना माने, गधा को आप प्रशांत किशोर मान सकते हैं, और वो मैं बता और पांचवा ये पांचवा यदि गधा जो यदि सुनना है। देखिए ये नहीं, और मैं प्रशांत जी का अपमान भी नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी बात क्या सुनिए बोल मेरी। और पॉल ज्यादा हाईली पेड होंगे तो जरूर उनके साथ बैठते होंगे, वैसे हमारे कुछ मित्र जरूर हैं जो उनके साथ बैठते हैं, तो उनके उन तक एक मैसेज दे सकते हैं तो दें। गधा का दो अर्थ है, एक तो गधा के बारे में कहा जाता है कि बैसाख उसमें है ना, कि सावन के हरे को जो है सब हरा हरा दिखता है, हरा तो हरा गधे दिख को रहा, वैशाख नंदन कहते हैं, उसको बैसाख नंदन बोलते हैं, तो उसको सब हरा हरा दिखेगा और उस वक्त खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसको लगता है इतना खाना एम्पल, तो उसमें वो दुबला हो जाता है। और जिस समय जेठ में जब घास खत्म हो जाता है तो ये सॉरी जब हरा होता है तो, और बैसाख जेठ में जब घास खत्म हो जाता है तो मोटा हो जाता है, क्योंकि उसको घास दिखता नहीं है, तो उसको लगता है अरे मैंने तो बहुत खा लिया। तो इससे आप राजनीति को डिकोड करें, इस लिहाज से भी मैं करता हूँ। दूसरा गधा का एक और संदर्भ है, और गधा को कुछ लोग गधा बोलते हैं, और गध बीमारी को बोलते हैं, और हा हरण करने वाले को बोलते हैं डॉक्टर वैद्य, तो गधा गधा है, ओ अरबी शब्द है गधा, डॉक्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, तो प्रशांत किशोर और आर्यन पाल जी या जो जो लोग कह रहे हैं हम लोग नहीं समझते हैं, तो चलिए हम अपनी तरफ से क्रेडिट दे देते हैं कि बिहार की बीमारी को हरने वाले वो गधा हैं। अब क्या करिएगा कि वैद्यगिरी अब कम चलता है, डॉक्टर ज्यादा चलता है मसला, तो कोई भी हो जो मैसेज देना चाहे दे सकते हैं, मैं प्रशांत जी का कोई अपमान नहीं कर रहा हूं। लेकिन सवाल यही है जो हेमंत जी कह रहे हैं कि आप विचारहीनता की राजनीति करेंगे, और वो कर रहे हैं। कई बार हम लोग को लगता है सीरियस ले लें प्रशांत जी को, ये देखें कि सामाजिक न्याय का 30 साल की जो यात्रा है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर लगता है कि ये बंदा खुद को गांधी बताने वाला सही पकड़ा है कि 2 अक्टूबर को अपने घोषणा पत्र में ये कैसे घोषित कर सकता है कि हम 1 घंटे के अंदर शराब लागू कर देंगे। ये है विचारहीनता का विचार, ये विचारहीनता हीनता की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है, और कम से कम आज इसी को कहते हैं विचारहीनता का विचार। छोड़िए बाबा साहब और को आप रखते हैं, साधन और साध्य की पवित्रता जो उसको शिक्षा में डाइवर्ट करने की बात करते हैं, बिल्कुल। गांधी कभी ऐसा नहीं और करता। मजेदार ये है कि हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे मतलब नाम आज मैं ले रहा हूँ, अगर नाम लेने से बचता था तो, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे विद्वान भी मैंने उनको भी सुना कि प्रशांत किशोर गांधी है। अब क्या करें इसका,
तो कई बार विचारहीन लोग कई लोगों को प्रभावित भी करते हैं। तो ये इस लिहाज से कोशिश देखिए वो घूम रहे हैं तमाम, लेकिन वो राजनेता नहीं हो सकते। यदि उनकी आवाज हॉलो है, यदि उनकी आवाज को ऐसा समर्थन नहीं है जैसा अरविंद केजरीवाल को भी मिल रहा था, तो मायने रखता है। आप बात पुरानी राजनीति को बदलने की करते हैं और आपके इर्द गिर्द सारे पुराने पवन वर्मा क्या है भाई, कौन है वो? नीतीश कुमार के लिए कल तक आप ही के साथ पीआरसी कर रहे थे, जब आप नीतीश कुमार की बैटिंग कर रहे थे, आपको आपको नीतीश कुमार से मिलवाने वाले भी पवन वर्मा है। देवेंद्र यादव टिकट के लिए आरजेडी में ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ, उसके बाद नाराज हुए हैं। आप तमाम चुके हुए लोगों के साथ, उन्हीं पुराने चेहरों के साथ, आप नई नए बोतल नई पैकेजिंग नहीं हो सकती उनकी, आप नई पैकेजिंग के जरिए आने के। तो वो आपने जो किया, एक कहानी बताऊं मैं आपको, वो निजी कहानी है, हालांकि स्त्री काल से जुड़ी है तो थोड़ा सामाजिक भी है। हेमंत जी को याद होगा 2013 में हम लोगों ने एक कार्यक्रम कराया था पटना में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में, वहां हम लोग नीतीश जी को बुलाना चाहते थे। साउथ एशियन वीमेन इन मीडिया भी उसमें आयोजकों में से था और ऑक्सफैम था। नीतीश जी उन दिनों नीतीश जी शराब बेचते थे, शराबबंदी की नहीं थी, हर 3 किलोमीटर पर शराब और शराब के लिए लॉजिक देते थे, गांव गांव शराब बेचवाते थे, गांव गांव हर 3 किलोमीटर पर, हम लोग रिपोर्टिंग करते थे उनके खिलाफ। तो उसी समय उन्होंने शराबबंदी भी इलॉजिकल है और शराब बेचना भी इलॉजिकल है, मतलब इस तरह से शराब बेचना जो नीतीश जी बेचने लगे थे, जैसे केजरीवाल जी बेचने लगे तो जेल चले गए। केजरीवाल जी तो बीच में तो मजा आ गया किसी समय, एक बार हम तो पीना छोड़ चुके हैं, लेकिन किसी वक्त में पता चला कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री आ रहा है। तो इस तरह की कोई चीज थी जो नीतीश जी बोला करते थे। तो नीतीश जी ने कहा कि हम शराब बेच रहे हैं तभी तो साइकिल लड़कियों को दे रहे हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने उस आयोजन में उनको बुलाने का इरादा बदल दिया था, लग रहा था कि क्या आके बोल जाएंगे अपने उसमें, तो क्या आके बोल जाएंगे वाले। हालांकि नीतीश जी की बीमारी अब ज्यादा विकसित हो गई है, लेकिन उस समय हम लोग को डर लगा था। प्रशांत किशोर ने क्या किया, ठीक वही जुमला उठाया है, कहीं कोई नई चीज उसमें भी नहीं है। या तो प्रशांत जी कुछ नई चीज दें। नीतीश जी ने जो कहा कि लड़कियों को हम शराब बेचेंगे तो साइकिल देंगे, तो इन्होंने कहा कि हम 1 घंटे में 15 मिनट में शराब बंदी पर से रोक हटा लेंगे, शराब खुला कर देंगे और लोगों को शिक्षा देंगे। तो कोई आपको कंप्लीट डुप्लीकेसी है, नीतीश जी को ही आप रिपीट कर रहे हैं। तो आपके पास कोई दूसरा विचार नहीं है। आप गांधी की हत्या कर दिया आपने आज 2 अक्टूबर को ये कह करके, एक मोदी जी ने झाड़ू थंबा करके किया था पूरा 2 अक्टूबर को, कहीं हमने कोई पता किया एक स्कूल में तो, और कई सेंट्रल स्कूलों में आप बात करिए, केंद्रीय विद्यालयों में सबका काम क्या, झाड़ू का काम है। आज गांधी है ही नहीं, गांधी की चर्चा ही नहीं, आज झाड़ू है। और राजस्थान में हेमंत जी कही रहे कि सरकार ने झाड़ू चला दिया गांधी जी पे, बिल्कुल। तो आप वहीं से हैं। तो कई बार लगता है मनोरमा की सीरियसली इनको लिया जाए, लेकिन आज जो है कई बार सीरियस हम लोग को लगता भी था, लेकिन आज सच में एक फेलियर है प्रशांत किशोर का। मंच पे आप 5000 लोगों को बैठा लें और वेटनरी ग्राउंड में आपने कहां आपके दावे और कहां मात्र 50,000 लोग, 25-30-40,000 लोग। ठीक है, चलिए 8 मिनट का अंतिम, हाँ बस अंतिम बात में एक बात कह दूं कि बेस बहुत जरूरी है राजनीति में। वो बहुत मनीष जी बहुत ग्राउंड की बात कह के गए कि मांझी जी के साथ तो एक समूह है और लोगों के साथ भी यहाँ समूह है। कन्हैया कुमार की राजनीति यहाँ क्यों नहीं खड़ी हो सकी, ना हो सकेगी, वो अमरलता की तरह का मामला है, जड़ नहीं है ना। तो प्रशांत जी के पास ना जड़ है, ना विचार है, ना करिश्माई नेता का ये प्रसंग है। तो बाकी बातें तो ब्ला 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 बहुत कुछ कर सकते हैं आप, स्वर्ग ला सकते हैं धरती पर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जनता समझती है कि स्वर्ग हमारा स्वर्ग क्या है। आपने शुरू में इंट्रो में कहा ही कि आरक्षण पर हमला भी था उनके उसमें। ये दो और सवाल मैं इसमें चाहती हूँ कि हेमंत जी इस पे बात करें, जो उन्होंने सर्वे को लेकर के सुधार को किया, तो ये जो चीजें हैं वो कैसे
सर्वे जो है सुधार, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं आती हूँ हेमंत जी आपके पास, छोटी छोटी टिप्पणी करेगा। और मैं उपेंद्र जी से ये जानना चाह रही हूँ, इस दौर में हमारे पास बहुत कम समय है तो जितनी छोटी टिप्पणी हो सके। 35 साल तक इन दोनों का शासन रहा, आरजेडी जेडीयू का, जिसमें 15 साल तक लगातार आरजेडी का शासन रहा, बाकी समय में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर के भी शासन किया, आरजेडी के साथ भी। तो मीसा भारती ने जो इस पर जो प्रतिक्रिया दी वो बिल्कुल सही प्रतिक्रिया थी कि आखिर वो तो पीएम बनाते हैं, वो तो बहुत बड़े आदमी है, उन्होंने पीएम को बनाया, मोदी को बनाया, तो इतने सालों तक वो रोजगार क्यों नहीं, मतलब उनके बनाए हुए पीएम ने बिहार में जब मिलकर के सरकार चलाई डबल इंजन की, तब ये सारी योजनाएं बिहार को लेकर की ये सब कहां थी। तो ये इस तरह की चीज, जबकि मतलब वो लगातार जो है वो किंग मेकर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाते रहे हैं, इस तरह की चीजें रही हैं, और उस समय में बिहार को लेकर के विजन और ये तमाम चीजें तो नहीं रही है डिलीवर करने के मामले में। तो क्या इसको लेकर के जो शक सुभा है लोगों के अंदर में, ये सवाल है, वो मतलब कि वाजिब है? और पीके क्या मतलब सब्जबाग जो है उनका, वो लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर के साथ अभी बातचीत चल रही थी कि उनके साथ कोई समूह नहीं, एक समूह है, वो है टिकटार्थियों का समूह, पूर्व प्रतिनिधियों का समूह, भावी प्रतिनिधियों का समूह, जो और तमाम जो राजनीति में आने की आकांक्षा पाल रहे हैं लोग, उनका समूह। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 टिकटार्थी भावी हैं इनके साथ, और सबको 100-100 आदमी लेकर आने की बात कही गई, तब भी भीड़ नहीं जुटी। जहां तक समस्या समाधान की बात है तो ये तो पहले सत्ता में आते हुए ही नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये 25 के बाद 30 की काजा राजनीति करते हो, ये 30 में आ जाएं, क्योंकि एक बात तो ये है कि तेजस्वी पर जब ये अटैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको एक पावरफुल ताकत तेजस्वी के रूप में इनको दिखता है कि तेजस्वी ही भविष्य है। दूसरी तरफ अभी मीसा भारती बोल रही थी कि इनको नाम रखना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी बीटी। मीसा भारती का एक बयान अभी आया कि इनको नाम रखना चाहिए था जनसुराज, नहीं, भारतीय जनता पार्टी बी। तो बी टीम तो पहले इस छवि से इनको निकलने में समय लगेगा। दूसरी तरफ जो पीके के पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि भाजपा की बी टीम राजद है। अब ये कहने पर जब सवाल हमने पूछा तो उनका कहना था कि मीसा भारती का 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ था राज्यसभा का, और वो लोकसभा चली गई और सीट बीजेपी के खाते में चली गई। तो अभी कई तरह के भ्रम भी हैं पीके को लेकर के। सबसे बड़ी बात तो है कि सत्ता में आते हुए दिख नहीं रहे हैं, 25 में भी नहीं और शायद 30 में भी नहीं। इनके साथ कोई समूह नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अंततः ये बीपीपा वाली हाल में हाल को प्राप्त करेंगे। आनंद मोहन से ज्यादा इनकी ताकत मुझे नहीं दिख रही है, कम से कम 25 में। ठीक है हेमंत जी, आपसे वही सवाल कि ये जो हमला कर रहे जाति जनगणना पर, भूमि सर्वे जो हो रहा है उस पर, और उसके साथ जो जमीन सुधार के मतलब कि जो सुधार की बात है उसको ज्यादा वो कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों बिना भूमि कैसे वो उसको अफेक्ट कर रहा है और कैसे वो इस पे गुमराह कर रहे हैं लोगों को? अनम्यूट कर लीजिए। मनोरमा, मैंने पहले ही कहा कि प्रशांत किशोर जो है विचारहीनता की जो राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज को और देखिए गौर से कि ये जिनको मनोज भारती जी को जो लेकर के आए हैं, उनको अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, एक तरह से चेहरा चेहरा के रूप में उनको सामने लेकर के आए हैं, ये भी अपने आप में इस बात को दिखाता है कि आप राजनीति को लेकर कितना अनसीरियस हैं। आप बिल्कुल उसको लेकर के बहुत गंभीरता आपके भीतर में नहीं है। मनोज भारती जी के बारे में मैंने पहले कहा कि मनोज भारती जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तो प्रशांत किशोर को और राजनीतिक व्यक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? किसी राजनीतिक व्यक्ति को सामने लाने में क्यों नहीं की खोज क्यों नहीं की उन्होंने कि जो कि राजनीतिक रूप से काफी जागरूक, लोगों के बीच में लोकप्रिय हो, इस तरह का लोग जो लोगों के बीच में काम कर रहा हो, ऐसे लोगों की जरूरत क्यों नहीं है इनको? तो इसलिए जरूरत नहीं है इनको कि ये काम नहीं करना चाहते हैं, ये लोगों को जागरूक नहीं होने देना चाहते हैं, ये लोग ये एक तरह से क्रैश कोर्स करना चाहते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि हम आपको ये आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको चुनाव भी लड़वा देंगे,
हम आपके लिए पैसा भी खर्च कर देंगे, हम आपके लिए वोट का जुगाड़ भी कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है आपको। तो ये जो इनका फार्मूला है ये तो बहुत आकर्षक फार्मूला है। मैंने कहा कि जो एक तरह से जो लोग पॉलिटिकल बेरोजगारी के दौर में है, जो राजनीति में जो आकांक्षी लोग हैं, ऐसे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि और कुछ नहीं हुआ तो चलो पत्रकार बन जाए या नेता बन जाए, ये जो ऑप्शन जो लोग ढूंढते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो पत्रकार बन जाना है और कुछ नहीं हुआ तो नेता बन जाना है, तो इस तरह के जो लोग हैं उनको लगता है कि यहाँ कोई कोई ना कोई विकल्प प्रशांत किशोर जी उनके लिए बहुत सस्ता और सुलभ विकल्प लेकर के आए हैं कि उनको आइए मेरी पार्टी में और उसके बाद आपको हम चुनाव भी लड़वा देंगे, पैसा भी हमारा होगा, वोट भी हम ही दिलवा देंगे आपको। तो ये जो है विचार, ये एक तरह से बिल्कुल ये इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में आज जो देश की स्थिति है उसमें बीजेपी के खिलाफ जो जो गोलबंदी हो रही है, जो जनता के भीतर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को बिहार में ये चाहते हैं कि किसी तरह डिफ्यूज किया जाए, उसको उसके दूसरी तरफ उसका उसको दूसरा एक तरह से आउटलेट दे दिया जाए, उसको वो दूसरे आउटलेट में चला जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना आसान प्रशांत जी समझ रहे हैं, लेकिन ये कोशिश है, ये पूंजी का बड़ा खेल है जो बिहार में बिहार की राजनीति को और राजनीतिकरण की ओर ले जाने की का काम करने के लिए ये पूंजी इतना लगाया जा रहा है। मैंने कहा कि ये बीजेपी का रास्ता आसान करने के लिए बिहार में बीजेपी जो लगातार यह दर्द लेकर के यहाँ पर जी रही है कि हम अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार कब बनाएंगे, इस दर्द की दवा प्रशांत किशोर बन जाएं, इसके लिए कोशिश चल रही है। आप बताइए कि प्रशांत किशोर ने उन मोदी जी के लिए काम किया जिन मोदी जी को कई विदेश जाने के लिए उनको वीजा नहीं से इनकार किया जाता था, नीतीश कुमार जी उनकी छाया से दूर रहने की कोशिश करते थे, बल्कि 5 साल पहले का मुझे याद आ रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था बड़का झूठा पार्टी, उन्होंने बीजेपी को नाम दिया था, जिसके जवाब में भाजपा ने कहा था जनता दमन उत्पीड़न JDU। तो ये 5 साल पहले के समीकरण थे इन दोनों के बीच के। तो प्रशांत किशोर जी का जो है उसको इसलिए सीरियसली लेने की जरूरत है कि वो उनको आप ये इस रूप में पुष्पम प्रिया के रूप में खारिज नहीं कर सकती हैं कि वो आई उनके साथ इस तरह का पूंजी नहीं, इस तरह की पूंजी नहीं थी। ये पूंजी का पूरा ऑर्गेनाइज खेल है जो पूंजी आज की तारीख में मोदी जी से बहुत कुछ करवा रही है, जो A1 और A2 जो मोदी जी से बहुत कुछ करवा रहा है वही पूंजी यहाँ लगा हुआ दिख रहा है। इतना ये अथाह पैसा है इसमें जो पैसा लगा, आप बताइए कि एक बाइक वाले को ये कहा जाता है कि आप अपनी बाइक को पूरा जनसुराज के पोस्टर से उसको ये सजवा लीजिए, 2000 रुपया आपको घर बैठे मिलेगा, आप हमारे जनसुराज के लिए प्रचार करें या नहीं करें, सिर्फ आपकी बाइक की मॉडलिंग करनी है कि वो जनसुराज के इससे पूरा रंग दिया जाए, उसका बना बनाया बाइक का पोस्टर आता है जो अपनी बाइक पर आप लगा लीजिए, बहुत पूरा बाइक आपका जो है जनसुराज का बाइक हो जाएगा और 2000 रुपया आपको मिलेगा। ये है इनका फार्मूला। ये पैसा हेमंत जी, एक बार देवानंद को लगा कि लड़कियां उनकी इतनी दीवानी है तो चुनाव क्यों ना लड़ लें, तो भाजपा पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करके पैसा वैसा भी था उनके पास, तो पैसा भी था तो चुनाव में उतरे भी, जानते हैं क्या हुआ, इतिहास है सब, पैसा ही क्या करिएगा, बिहार में कोई फैक्टर नहीं होने जा रहा है, जीके बड़ा फैक्टर नहीं बनेंगे, राजनीति के देवानंद है ये। हाँ चलिए, तो विवेक के पास आज संदीप, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि पूंजी इनके पीछे लगी है, उसका उसको तो उस पूंजी को तो सीरियसली लेना, उसका उद्देश्य बहुत खतरनाक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इससे क्या ही करिएगा लेकिन क्या ही करिएगा कि पूंजी इस बार अरविंद केजरीवाल पे नहीं बैद जी पे लगा है, बैद जी का अर्थ मैंने अभी बताया, मैंने एक दूसरा शब्द भी है उसके लिए। नहीं, दूसरी बात ये, एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ मनोरमा की, जब ये अरविंद केजरीवाल की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो अरविंद केजरीवाल का जो इमरजेंस है, उन्होंने सामने कांग्रेस को रखा और कांग्रेस के खिलाफ अपनी पूरी राजनीति ये केंद्रित की, तो हाँ विचारहीनता एक दूसरे किस्म की विचारहीनता थी, लेकिन कांग्रेस का बैकअप था,
आरएसएस का बैकअप फॉरगेट करके वो काम कर रहे थे, करप्शन को लेकर के, कांग्रेस के मिस गवर्नेंस को लेकर के, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के, इन सवालों को बहुत, लेकिन यहाँ ये तो इन सवालों पर, ये करप्शन के सवाल पर बोलते ही नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा कि जिसके लिए आपने वोट दिया वो सब कुछ हुआ, तो अब आप वोट दीजिए शिक्षा के लिए, अब आप वोट दीजिए पलायन रोकने के लिए और जो है रोजगार के लिए। नहीं, मंदिर वाला जो सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि आपने मंदिर के लिए वोट दिया, आप लेजिटिमाइज करते हैं उस तरह के, आपने नाली सड़क के लिए वोट, मंदिर के लिए क्या इस देश के लोगों ने वोट किया था मंदिर के लिए, ये कैसे आप कह सकते हैं आप? तो ये इस तरह के सवालों को लेजिटिमेसी देने वाला जो आप बयान देते हैं, ये भी देख गौर करने वाली बात है कि आपने बहुत चालाकी से इस बात को क्वाइन किया कि आपने मंदिर के लिए वोट दिया तो आपको मंदिर मिल गया, अब आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए तो वो मिल जाएगा, ये सब जो क्वाइन करते हैं उसका अर्थ होता है। जी विवेक के पास, विवेक प्रशांत किशोर के अभी के जो आज के स्टेज पे जो उन्होंने कहा तमाम बातें, उसमें एक और थी कि उन्होंने उन नेताओं के पूरे जो है कार्यकाल को बिल्कुल जो बदहाली के दौर से बिहार गुजरता रहा, 35 साल की बात की उन्होंने उसके, तो ये जो चीजें क्या बिहार की जनता इसको स्वीकार करेगी? सच में बिहार मतलब इस तरह से है कि उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी श्रेय जो है वो देने लायक नहीं है, और जो एक तारनहार, एक उद्धारक के रूप में, एक सुपरमैन की तरह से उनकी एंट्री होगी और उनके आते के साथ बिहार बदल जाएगा? क्या बिहार के लोग जो है इस तरह के मतलब इसको बहुत सहजता से इसको मतलब की स्वीकार या इस पे विश्वास करने को तैयार हैं, खासतौर पे बिहार का युवा उनकी इन तमाम दावों को कि बस वो एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और आते के साथ उन्होंने कहा कि पहले साल में हम ये सारा कुछ कर देंगे और 35 सालों को फिर वो खारिज करते हैं कि बदहाली का दौर और ये, हालांकि उन्होंने ऐसे करके रिकग्नाइज किया कि लालू जी ने क्या किया और नीतीश जी ने क्या किया उसको दूसरे तरीके से, उनको उनको छोटा करते हुए ही वो किया। तो एक जो है खासतौर पर नीतीश कुमार के कैरियर को भी, कि वो उन्होंने स्ट्रेटेजिस्ट बन करके वो बनाया, जबकि उसके काफी पहले से, नीतीश कुमार का कैरियर कब से है, लालू प्रसाद यादव का कैरियर कब से है, जब से वो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट टाइम से वो लोग पॉलिटिक्स में है। कौन सा प्रशांत किशोर, कैसा प्रशांत किशोर? देखिये, सुपारी किलर हम लोग सिनेमा में देखते थे और सुनते भी है सुपारी किलर कौन होता है, तो ये सुपारी किलर है। पहले जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करते थे तो वो उनके लिए काम करते रहे, फिर ममता बनर्जी के लिए और तमाम, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब सुपारी किलर को ये लग रहा है कि उनके पास इतनी पूंजी आ गई है या सुपारी किलर को ज्यादा सुपारी मिल गई है कि अब हमारे लिए नहीं करो तो मैदान में डायरेक्ट खड़े हो, तो वो उसी हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। तो पपेट है, अभी भी वो पपेट है और उनका इस्तेमाल अलग तरीके से हो रहा है। जहां तक आपने कहा कि 35 साल की बात है लालू यादव नीतीश कुमार का जो दौर रहा, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को लोग क्यों भूल जाते हैं? वही वही बात है, जगन्नाथ मिश्रा की, संजीव जी मैं किताब पढ़ रहा था जगन्नाथ मिश्रा की के बारे में पढ़ रहा था, तो झारखंड में उस समय तो संयुक्त बिहार, यहाँ पे मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी विवेक, एक बात ये भी कही जा रही है बहुत सारे लोग जो है कि जो सत्ता बिहार में ब्राह्मण से ओबीसी के हाथ में गई है, तो मतलब जो एक इस तरह से व्यू किया जा रहा है इसको कि ब्राह्मण ही जो है ना वो सत्ता मतलब कि सवर्णों के हाथ में लाएगा ओबीसी से खींच करके। आने वाले एक दो दशक में ही संभव नहीं है, आने वाले एक दो दशक में संभव नहीं है ओबीसी छोड़ के कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बनने जा रहा है। लेकिन ऐसी खुश, अरे उपेंद्र जी सपना देखने के लिए जो रोक खो रही है, नहीं तो अभी एक ने कमेंट किया था ना, एक दर्शक ने कमेंट किया था ना कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं पीके को, तो एक बात साफ जान ले पीके कि ये बिहार है और बिहारी को समझना आसान नहीं है, खासकर बिहार की राजनीति को बहुत टफ है बिहार, हम बगल वाले का नहीं जानते हैं कि वोट कहाँ जाएगा। तो 35 साल की बात हो रही जगन्नाथ मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के इतिहास ये है कि झारखंड में जितने भी आदिवासियों पर गोलियां चली सारे जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में चली, जितने भी दबंग ऑफिसर पैदा हुए उसी उन्हीं के कार्यकाल में हुई, ये बात आप कोई इतिहास की बात है कोई जानता है उसको, बहुत कोई उजागर करने की कोशिश भी नहीं करता है, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा का जो शासन काल था बिहार का सबसे भ्रष्टतम सरकार के तौर पर था,
उस पर एक शोध होना चाहिए, बकायदा सबको जानकारी होनी चाहिए। खैर वो अलग बात है, लेकिन एक जो बात हो रही है कि बिहार में बदला क्या, इतने दिन में सब कुछ ऐसा ही था, तो संजीव जी चले गए शायद, लेकिन आप 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और यहाँ झारखंड बिहार में उस वक्त संयुक्त बिहार था, वो पूरे देश में अलग अलग एक सर्वे हो रहा था, बड़ी टीम आई हुई थी योजना आयोग की, उनकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था संजीव जी, उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पटना में 2000 लोगों की को जो नौकरी कर रहे थे सरकार, केंद्र सरकार की नौकरी, उसमें एससी और एसटी सिर्फ दो थे, सिर्फ दो। अब आप बताइए कि 35 साल के बाद बिहार में या फिर दूसरे राज्यों में कितना बदला। उसके बाद जो राज्य सरकार की नौकरियों के लिए जो बंगले बन रहे थे या क्वार्टर बन रहे थे, उसका जो आवंटन हुआ उसमें एसटी एक, एससी दो। ये 35 साल 1980 की बात मैं बता रहा हूँ संजीव जी, ये सरकारी दस्तावेज में है, अगर कुछ बदला नहीं है तो ये क्या 1980 के दौर को याद कीजिए कि पूरे बिहार में पटना जैसे सेंट्रल पटना में सेंट्रल गवर्नमेंट की कई पद है, वहां पर ऑफिसेज है, वहां पर एससी एसटी सिर्फ एक या दो थे, केंद्र राज्य सरकार की नौकरियों में एक या दो थे। कौन सी जातियां थी? ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, भूमिहार, ये मुसलमान भी थे लेकिन कब थे बात संख्या, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए थे उस वक्त। तो 35 साल में अगर कहीं लोग बोल रहे कि बदलाव, मुसलमानों में भी ऊंची जाति के मुसलमान अशरफ नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आप एनालिसिस करेंगे और मैं भेज दूंगा डाटा, उसमें ये साफ साफ है कि उस वक्त की स्थिति और अब की स्थिति में देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है। तो ये ठीक है, लालू यादव ने क्या किया और नीतीश कुमार ने क्या किया, गलतियां की नहीं की वो राजनीतिक विषय है, लेकिन जिस आप समुदाय को नौकरी अभी अध्यक्ष बना रहे हैं उनका इतिहास, उनके उनके खुद का इतिहास देखिए, वो उन्होंने कब पढ़ाई शुरू की, उनको कब नौकरी मिली, उनको कब आरक्षण का फायदा मिला या नहीं मिला, ये उनके बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 35 साल में बिहार में जंगल राज जी रहा है या किसी भी राज्य में, खासतौर से बिहार में लालू यादव को लोग इसलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों से सत्ता हासिल की। ठीक है, तो ये सवाल जो है वो समझ रहे हैं जितना मैं जितना मैं ये इसमें जोड़ देना चाह रहा हूँ विवेक जी हैं कि जब महाराजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी थी तो वो 89 का मामला है, तो उस समय जयपुर बार एसोसिएशन ने ये प्रस्ताव लाया था और उसको वहां के एक जज ने, हाई कोर्ट के जज ने उसको अनुमति दी कि हाँ यहाँ लगना चाहिए। तो इस तरह की इनको जब अवसर मिलता है तो ये मनु की प्रतिमा लगवा देंगे, लेकिन जब सोसाइटी का जो बहुजन हिस्सा है उसको जब अवसर मिलता है तो वो कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति लगवाता है, वो जगदेव प्रसाद की मूर्ति लगवाता है, वो बिरसा मुंडा की मूर्ति लगवाता है, वो सिद्धू कानू की के नाम पर विश्वविद्यालय खोलता है। तो ये अंतर है। तो आप इसको इस रूप में देखिए कि राजनीति का जो शिफ्ट है उसको, इसको इसको समझने के लिए उन उदाहरणों को देखिए, जब वहां राजस्थान हाईकोर्ट में मूर्ति लगी थी उस निर्णय में 99% लोग, मुझे लगता है कि शायद 1% भी उसमें दलित पिछड़ा नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसे भी वहां वो इतना अधिक जातिवादी समाज है राजस्थान मध्य प्रदेश, और वहां पर ब्राह्मणों का जिस तरह का वर्चस्व है उसमें तो मुझे लगता है कि कोई नहीं रहा होगा वहां पर उस निर्णय में भागीदार दलित पिछड़ा समाज का। तो इनको जब मौका मिलता है, जब ये ताकत इनके हाथ में होती है, यही करते हैं, गांधी जयंती पर उन छुट्टियां रद्द कर देंगे, राजस्थान हाँ, और शराबबंदी को खत्म कर देंगे, ये इनका खतरनाक एजेंडा है, इसको इस रूप में समझने की जरूरत है जी। तो एक कंक्लूडिंग टिप्पणी जो है सम अप करता हुआ संजीव जी आपसे हम लोग लेते हैं और फिर चर्चा खत्म करें। मुझे जो एक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी दल के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं,
लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएफएस नहीं है, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। चार देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, चार देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहां अच्छा? सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए, फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है, और हर समाज से ऐसे ही लोगों को अभी आप मिले, गिरी जी से, वाई भी गिरी, यहाँ के सबसे बड़े कानून विदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहाँ हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहाँ हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना जी, और इसमें देखिए एक लाइन में बोल दूं, अगर समस्या का समाधान वैज्ञानिकों, इंजीनियर और इस पे तमाम के पास, लोगों के पास होता तो आइंस्टीन आज अमेरिका का राष्ट्रपति होते, और बाकी जो तमाम बड़े बड़े नोबेल लॉरेट है वो उन सबको बैठा देना चाहिए था। बिल्कुल। और इन्होंने देखिए इनके विरोधाभास देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने चुना ना अच्छा आदमी चुना ना, तब जबकि ये अमेरिका का एमआईटी भी नहीं है जहां पर कि चाहे कोई भी साइड में एक मुझे आपत्ति एक मुझे मेरी आपत्ति है कि इन्होंने मनोज भारती के पीठ पर जिस तरह हाथ रखा, जिस तरह पीठ सफाई उनकी, ये एक तरह से सुवादी मान सकता है। शुरुआत की है कि ये अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन इसी में वो प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत किशोर पांडे का ये अपना वाद है, और मनोज भारती का ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण समर्पण का भाव है जी। तो ये जो 19 लगभग 20% की अनुसूचित जाति की आबादी बिहार में है, और वहां पर वो ये बता रहे हैं कि राजनीति में जो ये हैं और ये अपनी प्रतिभा से पहुंचे हैं, वो काबिल दलित हैं, यानी कि बाकी जो दलित पब्लिक स्पेस में है बिहार में वो काबिल नहीं है, वो किसी ना किसी विचारहीनता की स्थिति ये है मनोरमा। बिल्कुल, और विचारहीनता की स्थिति ये है कि ये काबिल है और दलित भी है बिल्कुल। लेकिन एससी इतना कमजोर नहीं है, एससी इतना अब कमजोर नहीं है मानसिक तौर पे कि वो इनके साथ जुड़ जाएगा इस बात से, वो राजनीति में बहुत आगे चला गया। नहीं मानिए, लेकिन प्रशांत किशोर, प्रशांत मानने कीजिए, मानने की आजादी है, लोकतंत्र है। प्रशांत किशोर की क्या ये समझदारी है कि ये ब्राह्मण है इसलिए काबिल है? वो तो कह ही रहे हैं कि मेरे से काबिल है, मेरे से ज्यादा काबिल है, इसलिए वहां यहाँ। संजीव जी, मैं समझ जो आप कर रहे हैं, तो इसमें यही सवाल मैं रख रही थी कि जो ये जो भी लगा करके बोला, और ये एक प्लेन स्टेटमेंट नहीं है, इसमें उनका पूर्वाग्रह जैसे जाति जनगणना को और जमीन भूमि सर्वे को लेकर के, और प्लस उसका आरक्षण को भी लेकर के बार बार कह रहे हैं कि हम जातिवादी पार्टी, यहाँ कोई जात पात का बात नहीं होता, कोई हिंदू मुसलमान, लेकिन पहले ही बोल रहे कि अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो फिर उनकी जाति का डिक्लेरेशन क्यों? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि वो भ्रम की स्थिति में है। पीके खुद भ्रमित है, वो बिहार को क्या भ्रम से निकालेंगे और भंवर से निकालेंगे, खुद भ्रमित आ रहे हैं। उपेंद्र भाई, चूंकि अब कंक्लूडिंग करनी है, मजेदार ये है कि आप 70 सालों में जनता ने, लोगों ने ये समझ लिया है कि ये अनुसूचित जाति के हैं और काबिल भी हैं, ये वाली बात से बात आगे बढ़ गई है। ऐसे उदाहरण देने होंगे तो मृतकों से भी तमाम जगहों से लोग भरे पड़े हैं जो अनुसूचित जाति से भी हैं और काबिल भी हैं। अब बात ये हो गई है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि ये ब्राह्मण हैं इसलिए काबिल हैं,
और इसके खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक यात्रा हो चुकी है, चाहे वो प्रशांत किशोर पांडे हो या कोई भी हो जिसको ब्राह्मण होने भर से काबिल होने का जो प्रिविलेज मिला हुआ है। तो आप सब इस तरह की इम्पोलिटिकल बातें करते हैं, आप कहते हैं कि हम चुन के लाए हैं, आपको यकीन हुआ ना कि हम चुन के, जिस तरह के लोग क्या चुन के इतने दिनों में आप लेकर आए, एक अपॉलिटिकल, आप खुद अपॉलिटिकल हैं, एक अपॉलिटिकल व्यक्ति को आप लेकर के आए हैं, चुनाव करवाया होता वो भी मार्च तक के लिए आप कार्यकारी बना करके। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कंक्लूडिंग तौर पे कोई लकीर खींच पाने में सफल होंगे वो। मैं वही कह रहा हूँ कि एक लकीर जरूर खींचेंगे, देवानंद में ने भी तो एक लकीर खींची, तभी तो हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि इनके पीछे पूंजी लगी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम से कम इस बार ये कोई बहुत प्रभावशाली असर डाल पाएंगे पॉलिटिकल राजनीति में, विधानसभा में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत असर नहीं आता। तो यानी कि जो उपेंद्र जी ने शुरू में कहा था कि 2 साल वो पदयात्रा करके भी बिहार को लगता है समझ अभी नहीं पाए हैं। इतना आसान है बिहार को समझना? बिहार को जो समझ जाएगा वो देश में कहीं भी कामयाब हो जाएगा। नहीं नहीं, बिहार को ब्राह्मण बन के समझ ही नहीं सकते। शंकराचार्य पूरा घूम करके आए बिहार में आए तो भले ही मिथक है लेकिन कथा बड़ी अच्छी है। शंकराचार्य पूरे देश में घूम के आए, मंडन मिश्र के यहाँ गए तो उनकी पत्नी भारती ने कहा कि तुमने जो है सीखा कुछ क्या, तुम पहले जो है तुम मतलब स्त्रियों का ये काम कला सीख के आओ। तो ये बिहार है सर, बिहार में आप ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप देने वाला, आप ऊपर होने वाला, ये करके आप नहीं कर सकते। आपको जो है बिहार में पाने ये इस हाथ से जाना होता है, लोगों के बीच लोगों का बन के जाना होता है, आप सिर्फ घूम के चलेंगे तो नहीं चलेगा जी। हमारी चर्चा जो हमारी चर्चा समय से काफी आगे बढ़ चुकी है, 1.5 घंटे की लगभग होगी, बहुत लंबा डिबेट हो गया। हाँ, तो अब इसी नोट पे हम सो आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी भी आए थे तो पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इतना कीमती वक्त देने के लिए और अपनी टिप्पणियों के लिए। और हम देखते हैं आगे आने वाला समय जो है प्रशांत किशोर की राजनीति जो है वो किस करवट बैठती है और वो अपने लिए कौन सी लकीर खींच पाते हैं और किए हुए बिहार के बदलाव की जो बात करें वो कितना जमीन पर जमीनी हकीकत बन पाता है। और बस यही, इसी नोट पर हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। आप सब स्पीकर देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो आर्थिक सहयोग भी करिए। कल फिर हम मिलते हैं किसी और चर्चा पर। नमस्कार।